हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ सौरव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एटीपी जून के चैनल पे। आज हम सीखने वाले हैं एक बेहतरीन ट्रिक थर्ड चार्ज की लोकेशन निकालने के लिए, ठीक है, और हमें थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड करना, ठीक है। तो सवाल यह है, मान लीजिए एक चार्ज है 4Q और एक चार्ज है 16Q और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो मान लीजिए 1 मीटर, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम एंड आल्सो फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज। आपको ये फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, इस थर्ड चार्ज की पोजीशन क्या होगी, पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, ठीक है। तो देखिए ये कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, आर इक्वल टू अंडर रूट Q1 इंटू इनके बीच का सेपरेशन, ठीक है, अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2। तो Q1 यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल चार्ज, और यहाँ Q2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लार्जर चार्ज, राइट, लार्जर चार्ज। Q1 क्या है, स्मॉल चार्ज। स्मॉल चार्ज का रूट कितना होता है चार का, सर 2 होता है। इसके बीच का सेपरेशन कितना है दोनों चार्जेस के बीच का, सर 1 मीटर है, अपॉन इसका रूट 2 प्लस इसका रूट कितना आ गया 4, तो आपका आंसर कितना आ गया 2/6, आई थिंक 1/3 मीटर, राइट। ये तो हमने थर्ड चार्ज की पोजीशन निकाली, पहले हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, राइट। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, आसान। अच्छा देखिए, अगर नेचर ऑपोजिट होते तो यहाँ माइनस देते, ठीक है, अगर नेचर सेम है देन पॉजिटिव लेंगे। अब मुझे क्या फाइंड करना है, थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो उसके लिए ट्रिक क्या है, Q1 Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, ठीक। Q1 Q2 इसका Q1 रख दो 4Q, Q2 रख दो कितना आएगा 16Q अपॉन स्मॉल चार्ज का रूट कितना आएगा, 4 का रूट कितना होगा 2, 16 का कितना होगा 4, इसका होल स्क्वायर, जब आप रूट क्यू का भी स्क्वायर करोगे कितना आएगा क्यू, राइट, कितना आ गया, ये आपका फाइनली आ गया 16, 4 जा कितना होता है 64, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 का होल स्क्वायर कितना हो गया 36 क्यू, तो 64Q/36, ये आपका थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड आ गया। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर कंसेप्ट लगा के फॉर्मूला लगा के करते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, तो ये काफी लेंथी क्वेश्चन बनेगा, बट अगर आप इसे ट्रिक से करते हो तो 30 से 40 सेकेंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। थैंक यू फॉर टुडे।